आप लोग का स्वागत है गल्फ आइडिया चैनल पे। अगर आप देश दुनिया की खबरों से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को अभी प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस कर ले। दोस्तों, जो कतर की पहली अपडेट आ रही है कि वहां के जो कतर में पिछले 24 घंटे में 5864 टेस्ट हुई है, जो कि बीमारी के टेस्ट हुई है, और इनमें से जो पॉजिटिव केस आई है 1993 केस की लोगों की पॉजिटिव केस आई है, और जो टोटल टेस्ट हो चुकी है कतर में 212,897 लोगों को टेस्ट हुआ है, और इनमें से जो टोटल मरीज अभी एक्टिव हैं 32,267 मरीज जो हैं एक्टिव हैं, और जो पिछले 24 घंटे में जो मौतें हुई हैं कतर में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, और जो टोटल मौत हुई है कतर में 36 लोग अभी मौत हो चुकी है, और पिछले 24 घंटे में जो एडमिट हुए हैं आईसीयू में 216 लोग एडमिट हो चुके हैं। और दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि दोस्तों कि कतर में ये अफवाह उड़ रही थी कि 1 जून से इंटरनेशनल फ्लाइट चालू हो जाएगी और जो भी देश जो यहाँ फंसे हैं वो अब आ जा सकते हैं 1 जून से, लेकिन ये बात दोस्तों बिल्कुल अफवाह है। 1 जून से कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट ओपन नहीं हो रही है, जो भी फ्लाइट ओपन है वो सिर्फ स्पेशल फ्लाइट ओपन है। इसलिए दोस्तों जो भी ये बात कह रहे हैं कि आपसे 1 जून से इंटरनेशनल फ्लाइट ओपन हो जाएगी, ये बिल्कुल बात गलत है। आप जो लोग ये बात कह रहे हैं उनके बात पर आप बिल्कुल ना रहें, क्योंकि दोस्तों वहाँ के जो कतर गवर्नमेंट है उसने कोई ऐसा अनाउंस अभी नहीं किया है कि 1 जून से इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट हो जाएगी। और तीसरी बड़ी अपडेट ये है कि दोस्तों जो वहाँ के जो कतर गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया है कि अब हर ऑफिस कंपनी में कोई भी वर्कर लेबर या काम करते हैं उसकी टाइमिंग को चेंज कर दिया गया है। जो उसकी टाइमिंग होगी काम करने की सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ही काम करेंगे, और जो 100% जो स्टाफ काम करते थे वो सिर्फ 80% लोग ही वर्कर लेबर काम करेंगे, और बाकी 20% अपने अपने घर से या फिर अपने पर्सनल ऑफिस से ही काम करेंगे। दोस्तों, ये 3 खबर आपको अच्छा लगा प्लीज़ आप मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें।